Hello guys, welcome to Contriver. This is day 4 of my journey from noob to pro. Please subscribe, like, comment and watch complete video. In this game, I killed few enemies. Yes, you heard right. My practice in tedium is helping me a lot. We didn't finish the game, but had so many close encounters. For a change, we played classic map Shannok and chose the hottest zone of this map, Paradise Resort. Bhaiya, ispat ka bana hua jigra chahiye yahan utarne ke liye. और मैं ठहरा कमजोर दिल वाला भाइयों ने बोला कूद जा लंका में और मैं कूद पड़ा डर तो बहुत लग रहा था पर कसम से भाइयों के लिए जान भी हाजिर है उतरते ही गोलियों की बौछार शुरू हो गई आई हैड नो आइडिया व्हाट टू डू बट समहाउ आई डिड समथिंग मिरेकुलस हैव अ लुक अरे 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 भाई दो बंदे खा गया मैं और वो भी क्लोज एनकाउंटर में स्क्वाड को भी बचा लिया देखा ये है टीडीएम खेलने के फायदे अब लग जाओ काम पर लूटो जम के लूटो भर लो अपने आप को 10-10 बंदूकें उठा लो कंधे पर और रैम्बो बन जाओ वो नहीं करना तो मेडिकल सप्लाईज भरो टोकरे में और अस्पताल खोल लो डॉक्टर्स बिवेयर ऑफ पबजी मेडिक्स नाउ वी आर मूविंग इनसाइड ऑफ द रिजॉर्ट Be coordinated while moving. Kandhe se kandha milakar bhago. Cover each and every spot of the area. And don't forget to refill supplies and pick up enhancements. Ab hume goliyon ki awaaz aa rahi hai. But friends, don't go blindly into the fight. First, spot the location and move accordingly. Do alag alag team ki fight chal rahi thi. But we took our time. Aapas mein ladne aur marne do. Koi zarurat nahi hai andha beech mein ghusne ki. फिर जब थोड़ी शांति हुई तो हमने सोचा चलो अब चलते हैं और मुझे दिखा एक बंदा छुपकर बैठा था धूर्त अभी एम इतना सही नहीं हुआ है तो मैं मार नहीं पाया उसको वी डिसाइडेड टू सराउंड हिम फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस वी रश्ड इन और भाई ऐसा घेर कर मारा उस बेचारे को कि जिंदगी में ना सोचा होगा उसने कि इतना बुरा भी फंस सकता है कोई गोलियों का भूचाल आ गया उसके ऊपर सारी जिंदगी चूस गए हम उसकी ठीक है भाई क्या घेरा है भैया इसको तो पोचिंग ही पहुंचा दिया इसको तो आफ्टर सेंडिंग इज सोल टू पोचिंग की आई गॉट M4 इन माई हैंड्स बट नो बुलेट्स एंड बिफोर आई कुड फाइंड मोर बुलेट्स अनदर स्क्वाड अटैक्ड अस एंड नॉक डागा एज यूजुअल He is the first one to get knocked in our squad most of the time. Immediately, I ran back to my squad with Thompson in my hand. Daga ne rona chalu kar diya, bachao, bachao, aur main sankat mochan bankar pahunch gaya use revive karne. Usko revive kiya, itne mein ek aur squad aa gayi. Uske saath fight start ki. Banda kooda khidki se aur khatam. Fir bhaiya, maine lootna start kiya. पर क्या बताएं M4 से इतना प्यार है कि गोली ना होते हुए भी गन नहीं चेंज की और 5.56 का एमओ मिला ही नहीं उसके बाद इधर मैं लूटने में बिजी और मेरे बंदे एक और स्क्वाड खा गए हम तो भैया उसके बाद बोट ही मारते रह गए भूलना मत आई एम अ बोट किलर डोंट फॉरगेट टू रिप्लेनिश योर हेल्थ चलते चलते हेल्थ बढ़ाओ ताकि कुछ डिस्टेंस कवर हो सके बट ऐसी जगह पर नहीं यहां मुझे छुपकर हेल्थ बढ़ानी चाहिए थी नाउ वी हैव स्पॉटेड अनदर स्क्वाड एंड माई थॉम्सन वॉज ऑफ नो यूज डाकू ने बुलेट्स दी तो वो मैंने ऑर्डन पर कुर्बान कर दी ऑलवेज कीप प्रोवाइडिंग टू द बेस्ट मेंबर ऑफ योर स्क्वाड डोंट कीप सप्लाईज टू योर सेल्फ बिकॉज ही कैन किल बेटर देन यू एंड आई गोट इंस्टेंट रिजल्ट ऑफ दैट एज वेल ऑर्डन नॉक्ड वन आउट वी हैड ओनली 2 मैन फॉर किलिंग Because me and Daga was of no use. So we rushed in. मैं डाकू को सपोर्ट कर रहा था और डागा ऑर्डिन को जब स्क्वाड में दो बंदे ही लॉन्ग रेंज फायर कर सकते हैं तो एक एक बंदा उनके पीछे हो जाओ क्योंकि स्नाइपिंग के टाइम पर उनके नॉकआउट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और एक बंदा साथ होगा तो इंस्टेंट रिवाइवल कर सकते हैं नाउ वी आर डन विद किलिंग 3 स्क्वाड्स तो मैंने सोचा थोड़ा आराम कर लें ऐसे कैसे भाई सोच भी कैसे लिया पैराडाइज उतरे हो तो रेस्ट कैसे कर लोगे
भैया लग जाओ वापस काम पर, लगो। एक उसके पीछे है, एक मैंने वहां ऊपर मार्क किया था। कहाँ से आ रहा है ये? इधर है। आ जाओ जोन में, चलो। अरे मर गए हो तो। बाकी अभी एक दो बंदे इसके पीछे भाग चुके हैं। मैंने दो बोट और एक बंदा मारा, फिर हम निकल पड़े भगोड़ों की खोज में। ऑडिन भाई ने देखा था कि दो भाग कर गए हैं, उनको ढूंढा और मारा। नाउ ब्लू जोन वॉज क्लोजिंग इन, so we had to move more deep inside the safe zone. We decided to go through the water. लो भाई एक और काम की टिप ले लो, हमेशा पानी के नीचे से जाओ। अगर तुम्हारी हेल्थ फुल है तो बड़े आराम से 50 सेकंड तक तुम पानी के नीचे रह सकते हो, वो भी बिना मरे। और अगर हेल्थ कम है तो ऊपर नीचे होते रहो जब तक फेफड़ों में सांस है। भाई कोई नहीं देगा तुम्हें इतनी फ्री की टिप्स। अब आ गया है मैच का क्लाइमैक्स। भाई लोगों का सैंडविच बनता हो तो देखा होगा तुमने, हमारा तो भैया वेज रोल ही बन गया। सभी दिशाओं से गोलियां ही गोलियां, डाकू और डागा तो हाथों हाथ निपट लिए, बचे सिर्फ मैं और ऑडिन। खूब कोशिश की, स्मोक भी किए बट नहीं बजा पाए भैया। आई प्रे देयर सोल्स रेस्ट इन पीस। आफ्टर गेटिंग सराउंडेड बाय सो मैनी स्क्वाड्स वी हैड नो चांस ऑफ सर्वाइविंग। ऑडिन मार्क्ड वन एंड आई किल्ड हिम विद माय M4. After that, there was nothing to live for. So guys, hope you enjoyed the video. Contriver signing out. Be safe, be healthy. Peace.